हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका है क्लास 9 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5, जो कि इसमें से रेस्ट 2 मैथ्स बाकी था, वो 2 मैथ्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो वो कवर करने के बाद ये जो आपका चैप्टर है ना पॉलिनोमियल्स, इसका एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ओके, तो देखो ऐसे क्लासेस अगर आपको अच्छा लग रहा है और या फिर आप इस चैनल पे नए हो या फिर ऐसे क्लासेस और भी आपको चाहिए तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो जैसे कि कुछ मैथ्स था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पिछले क्लासेस में आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में कि ये सारा मैथ्स मैंने करवा दिया है। तो रेस्ट 2 मैथ्स बाकी था जो है आपका 15 एंड 16। ओके ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर। ये एरियाज गिवन है, ये एरियाज गिवन है। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है, तो आपको पहले जानना होगा कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है। एक रेक्टेंगल उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। 25a² - 35a +12। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे कि 25 एंड 12 को, जैसे कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ओके, सो 25 एंड 12 मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 12 5 16, देन 6 12 2 24 एंड 6 300। ओके, अब ये 300 का देखते हैं फैक्टर क्या क्या होता है। ओके, सो क्या देखो, 3 से 3 100, देन 2 से 250, देन अगेन 2 से 25, देन अगेन 5 से 5 5 से 25। ओके, सो ये 35 जो है, ये 35 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो नंबर वो प्लस या फिर माइनस करके 35 आता होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 300। ओके, सो देखो इसमें क्या हो सकता है, 3 2 6 6 2 12। ओके, सो 3 2 6 6 5 30 5 2 10, नहीं हो रहा है, 30 एंड 10। ओके, देखो 3 5 होता है 15, एक होता है 3 × 5, ये 3 एंड 5 होता है 15, एंड ये तीनों 2 2 4 4 5 20। सो 20 एंड 15, 20 + 15 करके आता है ना 35, एंड 20 एंड 15 को मल्टीप्लाई करके भी आता है 300। तो हो गया सॉल्व। तो बेसिकली करना क्या है, ओके सो देखो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, कितना आया 20 एंड 15। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 25a² - 20a - 15a, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में तो लिखना पड़ेगा। अब देखो माइनस माइनस तो माइनस ही होता है ऐड करने के बाद, लेकिन आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 25 एंड 12 मल्टीप्लाई करके प्लस ही आ रहा है। ओके, देन इसमें से आप 5a आपको कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें से 5 कॉमन जाएगा एंड a तो कॉमन है ही। सो 5 5 से 25 एंड a माइनस 5 4 से 20, माइनस इसमें से कितना कॉमन जाएगा, 3। सो 3 5 से 15, 5a माइनस 3 4 से 12, विच इज 5a - 4 × 5a - 3। सो एक हो गया आपका लेंथ का, एक हो गया आपका ब्रेथ का, तो वो उल्टा भी हो सकता है। तो हमें यही चाहिए था कि दो एक्सप्रेशन चाहिए था लेंथ एंड ब्रेथ के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है 35y² + 13y - 12। इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो हम लोग 35 × 12
इसका फैक्टर निकालते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि 35 का आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 7 एंड देन 12 का कितना हो जाएगा, इंटू करके 2 6 12, 2 3 6 मतलब 2 2 4, 4 3 12। ओके ओके, अब देखो 7 2 14, 14 2 28, अगर हम लोग ये तीनों को लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 28, और रेस्ट कितना बचा है 5 एंड 3, सो 5 एंड 3 मल्टीप्लाई करके कितना होता है 15। सो 15 एंड 28, कुछ कनेक्शन आ रहा है, यस, क्योंकि 28 से अगर आप 15 माइनस करते हो तो वो आ जाता है आपका 13। ओके, तो हम लोग अब करेंगे कैसे, 35y² जो बड़ा है उसके पहले बड़ा साइन लगेगा, 28y माइनस 15y, आया समझ में? ओके, उसके बाद देन आप यहाँ से कितना कॉमन जाएगा 7y, सो 7 5 35, 5y प्लस 7 4 48 माइनस 3 कॉमन जाएगा तो 5y, 5 3 15 एंड प्लस हो जाएगा इसमें, देन 3 4 12। ओके, सो कितना हो गया 5y प्लस 4 एंड देन 7y माइनस 3। ओके, सो ये आपका हो गया एक लेंथ का और एक ब्रेथ का, उल्टा भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया जो चाहिए था, कि पॉसिबल एक्सप्रेशन चाहिए था किसके लिए, लेंथ एंड ब्रेथ के लिए, और ये लेंथ ब्रेथ किसका, रेक्टेंगल्स का। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड इसका जो वॉल्यूम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। ओके, सो बेसिकली करना कैसे है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, 3x² माइनस 12x। ओके, सो इसमें एक कॉमन क्या जाएगा 3x, x हो गया माइनस 3 4 12, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × x × x − 4। तो इसमें एक आपका हो गया लेंथ, एक आपका हो गया ब्रेथ और एक आपका हो गया हाइट। सो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 3x x − 4, इसमें से कुछ भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो सकता है, लेकिन ये इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन है, ये मैं बता रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सो इसमें से कॉमन क्या जाएगा, इसमें से कॉमन जाएगा, पहले तो k कॉमन ले लेते हैं, 12y² प्लस 8y माइनस 20। अब देखो 12, 8, 20 तीनों इवन नंबर है, तीनों में से एक और कॉमन जाता है क्या, अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 3 12, 3y² प्लस 4 2 8, 2y माइनस 4 5 20। ओके, अब देखो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 3 5 कितना होता है 15, तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 3 15, मतलब कि 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, वेरी इजी। सो क्या होगा, बेसिकली 4k y कॉमन ले लो, 3y प्लस 5 एंड देन माइनस 1 कॉमन जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 3y प्लस 5 विच इज, मैं देखो ऊपर मैं लिख रही हूँ, कितना होगा 4k × 3y + 5 × y − 1। तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4y × 3y + 5 × y − 1। ओके, सो इसमें एक हो गया आपका लेंथ, एक हो गया आपका ब्रेथ और एक हो गया आपका हाइट, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ओके, तो ऐसे आपको करना है सॉल्व, कुछ नहीं, बस आपको फैक्टराइज करना था मिडिल टर्म ब्रेक करके। ओके, सो
बेसिकली ये देखो जो 2.5 एक्सरसाइज था इसका सारा जो मैथ्स था लगभग कुछ क्लासेस 5-6 क्लासेस लगा ख़त्म करने में, क्योंकि थोड़ा बड़ा था एक्सरसाइज तो थोड़ा समझ समझ के करना था। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे क्लास 9th के, क्योंकि पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर हो गया ख़त्म आपका। ओके सो ये चैप्टर के रिगार्डिंग या फिर इस क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज या फिर डाउट्स कुछ भी रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर डेफिनेटली करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो आप जाके ज्वाइन कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।